हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मिस्टी की दुनिया। और मिस्टी आ गई है स्कूल से और अभी हम लोग बैठे हुए हैं डॉक्टर के पास। तो मिस्टी को दिखाना है लेकिन अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, तो आने वाले हैं जस्ट, इसलिए मैं घर नहीं गई क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब दिखाई देती हूँ इनके। फिर हल्का हल्का सा पेन बता रही हैं, तो आगे की अपडेट आपको दूंगी घर जाकर। डॉक्टर आने वाले हैं जस्ट, तो ठीक है घर जाकर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर अभी आने ही वाले हैं और इनकी होम फीस है 800 रुपये घर जाने की। और मैं आ गई हूँ घर पर और बहुत सारी मिस्टी को मेडिसिन मिल गई है और काफ़ी लेट हो गई हूँ, भूख बहुत तेज लग रही है, बस जा रही हूँ जल्दी से रोटी सेकने। डॉक्टर ने दे दी है मिस्टी को बहुत सारी मेडिसिन। तो ये अल्फ़ा टॉनिक है, ये दूध में डालने का लिक्विड है, चॉकलेट फ्लेवर का, इससे भूख लगेगी, मिस्टी की भूख बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं ये दो टॉनिक और दिए हैं और एक कीड़ों का भी टॉनिक दिया है। बोले हो सकता है कि कीड़े हों इस वजह से भूख ना लग रही हो, क्योंकि कीड़े भी कई तरीके के होते हैं जिसमें कभी कभी भूख नहीं भी लगती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लगती है। होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया है क्योंकि इंग्लिश दवाई बच्चे के खुश्की ज़्यादा कर देंगी और फिर बच्चा वैसे भी वीक है और ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो मैंने इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया है। और मिस्टी का वेट भी कम हो गया है तो मैं यहाँ पर अनार लेकर आई हूँ, मिस्टी को अभी छील कर दूँगी। मैं आ गई हूँ छत पर और देखिए छत का मौसम कैसा हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। तो काफ़ी काले घने बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं पर मतलब रोशनी सी लग रही है, कहीं पर देखिए ऐसा लग रहा है कि आधी रात हो चुकी है, तो लेकिन टाइमिंग अभी केवल 4:15 का ही हुआ है। और यह है नेक्स्ट डे का मतलब ट्यूसडे की नाइट का ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं, खाना वाना खा लिया था तो हमने सोचा लाओ मॉल चलते हैं, कुछ सामान लेकर आना था मुझे घर का ही, मिस्टी के कुछ प्रोडक्ट हैं जॉनसन बेबी के तो वो ख़रीद कर लाने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर से निकलते के साथ ही ना 2 मिनट निकलना होता है, मतलब 2 मिनट की दूरी पर ही सब्ज़ी स्टार्ट हो जाती है, सब्ज़ी मार्केट है ये पूरा। और यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, सब्ज़ी से लेकर कपड़ों का शोरूम, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। बस ऑटो के लिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, तो 5 मिनट लगते हैं ऑटो को पकड़ने के लिए। और यहाँ ये रोड जो है ना, इसे क्रॉस करना मुझे सबसे भारी लगता है क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक रहता है, हर जगह पे ही रहता है। तो अब हम ये पार करेंगे पहले, फिर ऑटो पकड़ेंगे। रेडीमेड मोबाइल? हाँ। अच्छा, दो तरह के होते हैं क्या? पड़ा था हम लोग आ गए विशाल मेगा मार्ट, चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर घुसते के साथ ही ना हर बच्चे का पता नहीं क्या है कि सबसे पहले बच्चों को टॉयज नज़र आते हैं, उसके ऊपर तो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो सबसे पहले मिस्टी को अपने टॉयज लेने आ गई। वैसे मैं मिस्टी को टॉयज बहुत कम दिलाती हूँ क्योंकि मिस्टी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मिस्टी कभी टॉयज नहीं तोड़ती जैसे लेके जाती है ना, मतलब कितने भी साल पुराना हो उसका टॉयज वैसे की वैसे रखा रहता है, लेकिन एक टॉयज तो दिलाना बनता है। तो यहाँ पर ये मिस्टी मांग रही है तो मैंने दिला दिया है। और अब हम चलते हैं सेकेंड मंजिल पर, मतलब सेकेंड फ्लोर पर। तो नीचे जो है सारा कपड़ों का शोरूम है और ऊपर प्रोडक्ट हैं, जो भी आपको नमकीन बिस्किट और राशन उसन जो भी लेना है वो ऊपर चलना पड़ता है। तो हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और यहाँ देखिए यहाँ भी कपड़े हैं, यहाँ जेंट्स के हैं, नीचे सारा लेडीज़ का शोरूम है। मिस्टी भाग रही है आगे आगे, मैं भी चलती हूँ। और यहाँ पर मैं रुक गई हूँ कुछ लेने के लिए, दाल उल फ्राई करते हैं या तड़का लगाते हैं, तो मुझे इस तरीके का ये पैन चाहिए था तो मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ। जब मॉल में जाओ ना तो फिर बस ये मन करता है कि सारी चीज़ें उठा लें, तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। तो अब चलती हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पर आ गई हूँ मैं मिस्टी के उसका शॉप ख़त्म हो गया है, साबुन नहीं है मिस्टी के पास और शैम्पू भी ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ, रेट देख रही हूँ कि ज़्यादा वाला नहीं लूँगी क्योंकि बहुत चलता है, मिस्टी का अकेले का ही तो लगाना है। और शैम्पू भी लेना है तो शैम्पू मैं बड़ा ही वाला ले लूँगी। तुम्हारा तो बस टाइस पे जाता रहेगा। हाँ, ये सोचती बस सारे टाइस बेटा कैंडी लगी। तो टैडी इतने सारे घर पर हैं। नो, हाँ तो सभी सॉफ्ट होते हैं। बस चलो जहाँ टाइस देखे वहीं रुक जाती हूँ बार बार। जो भी सामान लेना था वो मैंने ले लिया है। अब हम आ गए नीचे की तरफ और देख रही हूँ मिस्टी के कपड़े, लेकिन मुझे यहाँ कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है यहाँ पर, मतलब वही घर में पहनाने के डेली यूज़ से लेने हैं तब तो ठीक है, लेकिन हाँ कहीं बाहर के जाने के पर्पज़ से लेने हैं तो मुझे सही नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े कितने क्यूट है ना, ये तुम्हारे आ जाएगा, तुम्हें छोटा होना पड़ेगा इसके लिए। वाह यार कितना क्यूट लग रहा है, क्लासेस में बड़ा होता ना तो तुझे भी दिलवा देती मिस्टी। छोटे बच्चों के कपड़े ना सच में बहुत प्यारे लगते हैं। छोटी सी दिख, ये दिला दो, छोटे छोटे आ जाएंगे, हाँ शॉर्ट बन जाएगा, सही बात है। शूज़ भी वही ले लो, छोटे छोटे आप शूज़ ले लो, है ना।
हमें जो जो खरीदना था हमने खरीद लिया है और हस्बैंड खड़े हैं लाइन में, तो हम भी चलते हैं। और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मतलब घर के लिए ब्लॉक का पेपर कर रही हैं। गोलगप्पे हमने खा लिए हैं और यहाँ पर हम अपनी पाव भाजी पैक करा रहे हैं और मिस्टी का जो पेट है वो थोड़े से गोलगप्पे से इधर गया है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।